नमस्कार, बॉलीवुड ठिकाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड ठिकाना के क्लासिक किस्से में मैं लेकर आती हूँ कुछ फिल्मों के अननोन फैक्ट्स। बहुत कोशिश करती है हमारी रिसर्च टीम कि ऐसे पॉइंट्स लेकर आए जिन्हें सुनकर आपका एंटरटेनमेंट हो, आपको अच्छा लगे, और ख़ास तौर पर जो फिल्म आपकी देखी हुई होती है उसके बारे में कुछ पता चलता है तो बड़ा मज़ा आता है। उसी सिलसिले में आज क्लासिक किस्से में मैं लेकर आई हूँ फिल्म कांटे के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। फिल्म कांटे 2002 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था संजय गुप्ता ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रीतिश नंदी ने फिल्म क्लब लिमिटेड से, लैरी मोटोव और संजय सिप्पी ने। इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे मिलाप जवेरी ने, स्क्रीन प्ले लिखा था संजय गुप्ता ने और यश विनय ने। इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लकी अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, मलाइका अरोड़ा, नम्रता सिंह और रति अग्निहोत्री। मल्टी स्टारर इस फिल्म के बारे में आज हम बात करेंगे क्लासिक किस्से में। संजय गुप्ता और संजय दत्त ने इस फिल्म के साथ अपने एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की थी, व्हाइट फेदर फिल्म्स। 2002 में कांटे रिलीज हुई थी, उसी के साथ जन्म लिया था इनके प्रोडक्शन हाउस ने। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी सफलता अर्जित की। हालांकि ये फिल्म रिलीज होने वाली थी अगस्त 2002 में, लेकिन इंटरनेशनल प्रोड्यूसर राजू पटेल और क्रू के बीच में कुछ मनमुटाव होने की वजह से इस फिल्म की रिलीज जो है वो 4 महीने टल गई। कांटे दूसरी वो फिल्म थी जिसमें संजय दत्त और कुमार गौरव ने एक साथ काम किया था। उससे पहले 1986 में उन दोनों ने एक फिल्म नाम में एक साथ काम किया था। इस फिल्म से संजय दत्त को काफी पहचान मिली, उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई, लेकिन कुमार गौरव की कांटे आखिरी फिल्म थी, उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ही ले लिया। ये फिल्म कांटे अमिताभ बच्चन साहब की 100वीं ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने लीड रोल में काम किया था, और कांटे कुमार गौरव की आखिरी फिल्म थी। महेश मांजरेकर की एक अच्छे रोल में, एक अच्छे किरदार के साथ पहली फिल्म थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उसे पहले उन्होंने जो खुद ने डायरेक्ट किए थे उसमें छोटे मोटे रोल किए थे, और रंजीत चौधरी की काफी अरसे बाद हिंदी फिल्म में फिर से शुरुआत हुई। ये फिल्म पहले कांटे फिल्म जो है वो पहले संजय गुप्ता हिंदुस्तान के जो स्लम्स हैं, बॉम्बे के जो स्लम्स हैं, उसमें शूट करना चाहते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि प्लानिंग कुछ ऐसी हो गई या स्टोरी की कहानी की डिमांड कुछ ऐसी हो गई कि उसे फिल्म को लॉस एंजलिस में शूट किया गया। फिल्म के एक कलाकार लकी अली ने कुछ पैसों के पेमेंट के इशू हो गया था, उन्हें जो चाह रहे थे, जो उन्होंने कहा था वो उन्हें नहीं मिला था, उसको लेकर प्रीतिश नंदी और संजय गुप्ता को कोर्ट तक में ले जाने की बात कह दी। हालांकि संजय गुप्ता का ये कहना था कि लकी अली को 50% पेमेंट हो चुका था। इधर अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म से कुछ पेमेंट्स का इशू हुआ था। बाद में लकी अली ने इस फिल्म के लिए कहा कि जितना पैसा इस पर खर्च किया गया है या जितनी मल्टी स्टारर ये फिल्म है, उस हिसाब से तो इस फिल्म को उस साल की सबसे बेस्ट फिल्म होना चाहिए था। कांटे फिल्म जब बननी शुरू हुई तो इसकी स्टार कास्ट कुछ इस तरह थी: अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और लीजा रे। ये शुरुआती दौर में जब शुरू हुई थी फिल्म तब ये पूरी कास्टिंग थी, लेकिन जब फिल्म बननी शुरू हुई तो इसमें काफी चेंजेस आ गए। अक्षय खन्ना इस फिल्म से बाहर हो गए, न जाने क्या वजह रही होगी, लेकिन ही ऑप्टेड आउट ऑफ द फिल्म। शिल्पा शेट्टी का किरदार मिला मलाइका अरोड़ा को, और उसके बाद लीजा रे का रोल किया नम्रता सिंह गुजराल ने। जब फिल्म बनती है तो इस तरह के चेंजेस होते ही रहते हैं। अब किसी स्टार की कोई वजह हो सकती है, किसी स्टार की कोई और वजह, चाहे फाइनेंशियल डिमांड हो या फिर डेट्स का इशू हो, लेकिन बहरहाल जो फाइनल कास्ट थी वो हमने आपको बता दी। फिल्म की शूटिंग चल रही थी लॉस एंजलिस में, और ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11 को। तो अमेरिका में काफी इस बात को लेकर टेंशन था, और इन लोगों ने जो शूटिंग लोकेशंस तय कर रखी थी उस पर उनका शूट कर पाना मुश्किल था क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे।
तो उन्होंने काफी जगह जो थी शूट की वो बदली और वहां पर जाकर शूट किया। उसी दौरान क्या हुआ कि सुनील शेट्टी जो है वो एक बार जिम से अपने होटल लौट रहे थे तो उन्हें देखकर पुलिस वालों ने रोक लिया, और चूंकि उनका उस फिल्म में लुक ऐसा था तो उन्हें टेररिस्ट समझकर रोक लिया और उनसे पूछताछ की। हालांकि कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं हुई, सुनील शेट्टी आराम से अपने होटल पहुंच गए। संजय गुप्ता ने इस फिल्म में एक्शन के लिए फॉरेन के जो डायरेक्टर्स थे, एक्शन डायरेक्टर्स थे, उनको हायर किया था। इस फिल्म में खर्चा भी आया था 28 करोड़ का, तो वो फॉरेन एक्शन मास्टर्स को अफोर्ड कर सकते थे। तो उन्होंने बाहर के लोगों को लिया ताकि फिल्म में जो एक्शन सारे सीक्वेंसेस हैं उनको वो लोग डायरेक्ट कर सकें, जिससे फिल्म जो है वो काफ़ी फेमस हो जाए। संजय गुप्ता ने महेश मांजरेकर के रोल के लिए कहा कि इतना तो अगर मैं भी करता तो इससे अच्छा कर सकता था। न जाने क्यों उन्होंने ये बात कही, क्योंकि महेश मांजरेकर एक मंझे हुए कलाकार हैं और हो सकता है शायद चूंकि वो उनकी फिल्म का शुरुआती दौर था इसीलिए संजय गुप्ता ने महेश मांजरेकर के लिए ऐसा कमेंट पास किया। इस फिल्म में जो कुमार गौरव का रोल था उसके लिए सनी देओल को ऑफर किया गया था, लेकिन किसी कारण से सनी देओल ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। इस फिल्म के लिए रवीना टंडन को भी साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने ये फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, तो फिर वो रोल तब्बू को दिया गया। फाइनली तब्बू का भी शायद कुछ सेटिंग बैठी नहीं डायरेक्टर के साथ या फिल्म का रोल उन्हें पसंद नहीं था, तो अल्टीमेटली संजय गुप्ता ने ये जो रोल था, ये जो कैरेक्टर था, वो ही हटा दिया फिल्म में से। दोस्तों आज हमने बात की फिल्म कांटे के अननोन फैक्ट्स की। ऐसे पुरानी फिल्मों के बारे में जब जानते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक बार और देख लेनी चाहिए। इतनी मल्टी स्टारर फिल्म, इतना एक्शन, बाहर अब्रॉड में उसकी शूटिंग, तो मैं सोच रही हूँ देख ही लेती हूँ। चलिए आज हमने बात की कांटे फिल्म के कुछ अननोन फैक्ट्स की। कुछ और फिल्म के अननोन फैक्ट्स लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।